हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औषधि के बारे में बताऊंगा जो आप सभी जानते हैं और मेरे हिसाब से तो हर घर में इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि आपके बच्चे के लिए ये कितनी महत्वपूर्ण है और यदि आप इसको बच्चे को खिलाते हैं तो बच्चे को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है आंवला। आंवला हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों को आंवला खिलाने से बच्चों को क्या क्या फायदे होते हैं ये आप शायद नहीं जानते, इसलिए हम डेली वे में इसका प्रयोग नहीं करते। जानते सभी हैं लेकिन प्रयोग इतना नहीं करते। तो आज मैं आपको बताऊंगा, उससे आप डेली आंवले का प्रयोग जब बच्चों को करेंगे तो आपको बहुत आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आंवले में विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में और प्रचुर मात्रा में होता है, तो यदि आप आंवला अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। आंवला खिलाने से बच्चों की नेत्र ज्योति अच्छी होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल बच्चों को चश्मा बहुत जल्दी लग रहा है, क्योंकि बच्चों के ऊपर पढ़ाई का ओवरलोड है। दिन भर बच्चे पढ़ते रहते हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में बच्चों की आई साइट वीक हो जाती है। तो यदि आप आंवला प्रतिदिन अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे की आंखें जो होती है वो मजबूत होती है। आंवला को आयुर्वेद में बहुत अच्छा रसायन कहा गया है। रसायन का मतलब होता है कि जो सर्वगुण संपन्न होता है, जो हर तरह से बच्चे को बेनिफिट देता है, बच्चे की वीकनेस को दूर करता है, बच्चे को शरीर के अंदर से ताकतवर बनाता है, बच्चे की बुद्धि को तेज करता है। तो आंवला एक बहुत सर्वश्रेष्ठ औषधि है जो हर प्रकार से बच्चों में प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, अब बात यह आती है कि आंवले किस फॉर्म में और कितनी मात्रा में हमें बच्चों को देना चाहिए। तो आंवला अलग अलग फॉर्म में आप बच्चों को खिला सकते हैं। कुछ बच्चों को मुरब्बा बहुत पसंद होता है, तो आप आंवले का मुरब्बा, बच्चे को प्रतिदिन एक आंवले का मुरब्बा आप एक बार दिन में जरूर दीजिए। यदि आंवले का मुरब्बा बच्चों को पसंद नहीं है तो आंवला कैंडी आती है, कैंडी फॉर्म में आता है। यदि बच्चों को मीठा पसंद है तो मीठी कैंडी आप दे सकते हैं, या अपने घर में ही आप इसको बना सकते हैं। कुछ बच्चों को नमकीन पसंद होता है तो सॉल्टी कैंडी आप खिला सकते हैं। तो आप देखिए, नॉर्मली अगर आप चलते फिरते जैसे बच्चे नॉर्मल टॉफी खाते हैं, उसकी जगह यदि आप आंवला कैंडी आप घर में बनाकर वो बच्चों को खिलाते हैं तो वो कैंडी का भी फॉर्म हो जाएगा, बच्चे को टॉफी भी मिल जाएगी और बच्चे के लिए फायदेमंद होगा। तो जो नॉर्मल टॉफी खिलाते हैं आप, उसकी जगह रिप्लेस करके आंवला कैंडी का प्रयोग बच्चों को कराइए। इससे बच्चे की बुद्धि तेज होगी, बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा, बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, बच्चे की कमजोरी दूर होगी, बच्चे की आई साइट स्ट्रांग रहेगी। इसके अलावा अनेक अनेक फायदे आंवले के अंदर है, वो सभी बच्चे को मिलेंगे। मान लीजिए बच्चा ये सब भी नहीं खा पा रहा है तो आंवला का जूस आप घर में बना सकती हैं, आप आंवले का जूस आप बच्चे को पिला सकती हैं। तो इस तरह से ये जो औषधि है ये बच्चों के लिए सर्वगुण संपन्न औषधि है। इसीलिए मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि प्रतिदिन आप अपने बच्चे को आंवला जरूर खिलाएं और बच्चे को स्वस्थ बनाएं। जय आयुर्वेद।